और ध्यान से सुनिए, ये भी सोने की दुआ है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलग अलग दुआएं पढ़ते थे, सारी दुआएं अगर हम पढ़ लें तो बहुत ज़हर किस्मत, बहुत अच्छी की बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सारी दुआएं न पढ़ सकें तो कम से कम एक एक दिन एक एक दुआएं तो पढ़ लें, ताकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से निकले हुए जुमले हमारी जुबानों पर आ जाएं। अब हदीस सुनिए, हजरत हफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हा, जो के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहलिया मोहतरमा है, फरमाती हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने का इरादा फरमाते, दूसरी पढ़ लीजिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने का इरादा फरमाते तो अपना दाहिना हाथ, राइट हैंड, अपना दाहिना हाथ अपने दाएं रुखसार के नीचे रखते और तीन मर्तबा ये दुआ पढ़ते। पढ़िए मेरे साथ, अल्लाहुम्मा किनी अज़ाबका यौम तबअथु इबादका। तीन मर्तबा ये दुआ पढ़ते, ये दुआ पढ़ लीजिए मेरे साथ, ताकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से निकले हुए जुमले हमारी जुबानों पर आ जावे। और याद भी कर लीजिए, तर्जुमा, ऐ अल्लाह मुझे अपने अजाब से उस दिन बचाइए जिस दिन आप अपने बंदों को कब्रों से उठाएंगे। तीन मर्तबा उर्दू में पढ़ लीजिए, तीन मर्तबा अरबी में पढ़ लीजिए। अरबी में पढ़ लिया तीन मर्तबा तो भी काफी है। तर्जुमा मैं इसलिए करता हूँ कि जरा तर्जुमे से इस्तेजार होता है, रटा रटा है ना आदमी को इस्तेजार होता है। ये हदीस अबू दाऊद में है, इसलिए ये दुआएं खुद भी याद करिए और अपने बच्चे बच्चियों को भी याद करवाइए। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और साथ साथ में एक बात मैं कहता हूँ कि ये तौफीक जब अल्लाह की तरफ से मिलेगी तो ही मिलेगी। अल्लाह से तौफीक भी मांगी कि अल्लाह सबक तो आ गया, सबक तो सुन लिया, लेकिन हमारे सबक मालूमात बढ़ाने के लिए नहीं है, अपनी जिंदगी में लाने के लिए। इसलिए अपने ऐबों को भी देखते रहिए। उलमा ने लिखा है, आदमी के अंदर जब गुनाह होते हैं उसे अपने गुनाह दिखाई नहीं देते तो अल्लाह उसे अमल करने की तौफीक भी नहीं देता। एक नसीहत सुन लीजिए, जब रब राजी होने लगता है तो बंदे को अपने आयबू का पता चलना शुरू हो जाता है। जब रब राजी होने लगता है तो बंदे को अपने आयबू का पता चलना शुरू हो जाता है, और यही उसकी रहमत की पहली निशानी है। इसलिए अपने आयबू पर भी निगाह डालिए तो आयबू पर निगाह पड़ेगी, इस्तेगफार होगा, अमल की तौफीक होगी। ऐबों पर निगाह न पड़ी और इस्तगफार नहीं होगा तो अमल की तौफीक भी नहीं होगी। इसलिए चुपके चुपके अल्लाह से अमल की तौफीक भी मांगिए। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चले चलते चलते जन्नत के अंदर दरख्त लगा लीजिए, पढ़ लीजिए, सुभानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दी, सुभानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दी, सुभान अल्लाह अज़ीम व बिहम्दी। देखो तीन मर्तबा मैंने पढ़ा, तीन मर्तबा मेरे लिए जन्नत में दरख्त लग गए खजूर के। आप जितने जितने दरख्त लगाने हो लगा लीजिए, अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।